अच्छा काजू किशमिश भी मटन में डालते हैं? अच्छा ये देखिए काजू और किशमिश यहाँ पे रखे हुए हैं और ये जाएगा मटन पे, मतलब यहाँ पे काजू किशमिश डाल के मटन बनाते हैं। आधा प्याज खाने में, सलाद में 50 किलो खाने में जाता है। अच्छा सलाद में चला जाता है। कैसा होता है मटन यहाँ का? इस होटल में बहुत पुराने हम हैं। कब से आ रहे हैं? 1500 से सिवान मेरा घर है। घर है सिवान में, खाना खाते हैं छपरा में। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम जहाँ है यहाँ पे एकदम धड़िया धसान की तरह लोग मटन खाने के लिए आते हैं और काफ़ी भीड़ होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। वैसे अभी हम हैं छपरा में और छपरा में ये हो गया सिवान रोड। जैसे ही स्टेशन से निकलते हैं दाहिना साइड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आगे मिलता है मुन्ना होटल। और इस होटल में इस तरीके का करेज होता है खाने के लिए, लोग एकदम भीड़ लगाए हुए रहते थे। तो चलिए इधर प्याज कटना स्टार्ट हो गया, इधर भी प्याज कट के रखा हुआ है और इधर छिला करके रखा हुआ है। क्या एडवांस में रखा? एडवांस में। और मशीन में काटते हैं आप लोग? हाँ, मशीन में काटता है, मशीन में तुरंत कट जाता है। हाँ। तो कितना प्याज एक दिन में यहाँ पे कटता है? दो अढ़ाई बोरा डेली का? हाँ, मतलब सिर्फ प्याज कट जाता है। देखिए यहाँ पे बोरा भर के रखा हुआ है, 6-7 बोरा। क्या लगता है पूरा ट्रक मंगा लेते हैं प्याज का? एक बार में 30 बोरा। 30 बोरा कई दिन में खत्म हो जाता है? होता है 10 दिन में होता है। 10 दिन में खत्म? खाने में हमको चल जाता है आधा प्याज। आधा प्याज खाने में? सलाद में 50 किलो खाने में जाता है। अच्छा सलाद में चला जाता है। कितना प्याज कटेगा अभी? अभी एक बाल्टी कटेगा। एक बाल्टी। तो चलिए ये देखिए प्याज कटना शुरू हो गया और मशीन से काटा जा रहा है। और देखिए कितना बारीकी से कट रहा है, देख रहे हैं। देखिए भैया इसी में मटन बनता है यहाँ। अच्छा इसी में मटन बनेगा? अच्छा मटन बने। टोटल कितना मटन यहाँ पे बनता है? 45 किलो भर। 45 केजी? 3 बार करके बनता है। 3 बार करके, मतलब दिन भर धड़िया धसान चलते रहता है। अभी बनेगा तो 9 बजे तैयार हो जाएगा। हाँ अभी 7 बज रहा है, अभी 9 बजे तक ही मिल जाएगा मटन। अच्छा इसी में बनेगा। तो ये डाल रहे हैं तेल, कौन सा तेल यूज करते हैं आप लोग? हवाई घोड़ा है। हवाई घोड़ा बढ़िया तेल होता है। पूरा कंटर डाल दिए इसमें? क्या है ये? क्या डाल रहे? ये है दालचीनी, कौप चीनी, सजीरा। ये गरम मसाला फोरन में डाले? मतलब फोरन में गरम मसाला जीरा ये चला गया। अब ये जा रहा है तेजपत्ता, मतलब काफ़ी हेवी है बनाने का तरीका। जो भी है कंटर से लेके डायरेक्ट डालते हैं। अच्छा ये मटन का प्याज हो गया, से कटाता है। तो कितना प्याज ये डाल रहे हैं? 20 किलो प्याज। 20 केजी। अच्छा देखिए थोड़ा कढ़ाई बढ़ के यहाँ पे प्याज डाल रहे हैं। तो इतना प्याज में कितना मटन अभी बनेगा? 20 से 25 केजी। मतलब पूरा ये हांडी भर के बनेगा मटन? पूरा फुल हो जाता है। तो कितना मटन एक दिन में यहाँ पे बनता है? 20 केजी बनता है 3 बार, यानी 50 से 60 केजी डेली का? डेली का। अच्छा ये डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट है। अच्छा अदरक, अदरक। अच्छा मतलब सभी का पेस्ट इधर बना के रखे हुए हैं, लगभग 4 से 5 केजी इधर पीस के रखे हुए हैं और इसमें डाल दिए। ये टोटल मटन जो बनेगा उसके लिए पीस लिए एक बार? हाँ, एक ही बार पीस आ जाता है। अच्छा भैया ये मटन का दुकान जो कितना पुराना है? एक मटन का दुकान है 20 साल हो गया। 20 साल? हाँ 20 साल हो गया। 20 साल पहले कौन स्टार्ट किए थे? हम ही किए थे। आप ही किए थे? हाँ हाँ। आप ही यहाँ का ओनर हुए? हाँ ओनर हम ही है। तो कितना मटन आज बनने वाला है? आज मटन बनने वाला 50 केजी। 50 केजी? हाँ 3 भाग बटेगा। आज अभी बना 20 केजी, इसके बाद बनेगा 10 केजी, 15 केजी, ऐसे ही बनते रहेगा। बनते रहे मतलब गर्मा गर्म के? हाँ हाँ गर्मा गर्म, 3 टाइम बनता है मटन। अच्छा ये चिकन भी यहाँ पे बनता है? 15 केजी एक बार बनता है। 15 केजी एक बार में? ये देखिए पूरा बाल्टीन भर के चिकन रखे हुए हैं। क्या इधर ये आ गया इसका मसाला? अच्छा क्या बोले भैया? चिकन का पैसा लेकर जा रहे हैं। चिकन का पैसा लेके जा रहे हैं? कितना देते हैं? 22,550 रुपया का चिकन। 22,550 रुपया का चिकन एक दिन में आप देते हैं? हाँ एक दिन में। मटन का अलग है? वैसे ये जो है नॉन वेज का हब है, यहाँ पे हर चीज अच्छे मात्रा में बनता है। देखिए इधर लगभग 20 केजी इनका ये मछली रखा हुआ है, ये बनेगा। और इधर देखिए लगभग 15 केजी ये चिकन बन रहा है। और ये कितने बार बनता है एक दिन में? 5 बार बनता है। 5 बार, यानी दिन भर बनते रहता है चिकन। और ये मटन आ गया जो कि 50 से 60 केजी बनता है डेली का। मतलब ज़्यादा भीड़ होता होगा तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता होगा। कितना स्टाफ है यहाँ पे? 15 से 20 अभी 17 आदमी है। 17 आदमी? अच्छा ये मटन आ गया है?
पूरा बाल्टीन भर के आया है, तो डायरेक्ट जाएगा कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई के अंदर डेक्ची के अंदर, डेक्ची के अंदर, अच्छा इसको डेक्ची बोलते हैं। तो चलिए ये देखिए प्याज पूरा गल गया है, उधर बाल्टीन भर के मटन आ गया है। तो भैया जो है इसको अच्छा सफाई करके लाए हैं, पूरा धोने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा हाँ पूरा फ्रेश है मटन, हाँ मतलब ओरिजिनल खस्सी है, मतलब उस खस्सी का वही पहचान हुआ। भैया गए थे अभी मटन लाने गए थे, मुन्ना ऑर्डर नमूना है खस्सी का मीट। तो ये मसाला डाल रहे हैं, मटन सामने कटवाते हैं, हल्दी आ गया है, ये आ गया धनिया का पाउडर। अच्छा देखिए कितना कलरफुल लग रहा है देखने में, क्या काफी टेस्टी बनने वाला है मटन। ये चला गया स्वाद अनुसार नमक इसमें, ये आ गया मीट। अच्छा भैया मटन का रेट क्या होता है यहाँ पे? मटन है आपको 60 रुपए पीस। अच्छा और मटन चावल है 150 रुपए प्लेट। तो चलिए यहाँ पे देखिए रोटी बन रहा है, लगभग हम 2 घंटा पहले आए और तब से आप बेल रहे हैं क्या? हाँ तो हम लोग 5 बजे भोर में आते हैं, हाँ और लग जाते हैं रोटी बनाने में, हाँ और 5 बजे से लेकर हाँ 10 बजे 10:30 बजे रात तक, 10 बजे रात तक बेलते रहते हैं, बेलते ही रहते हैं। तो पूरा हाथ तो दर्द करता होगा? हाथ तो दर्द करता है, तो डबल शिफ्ट है अभी 10 बजे से, हाँ आदमी आएगा वो बनाएगा, वो बनाएगा। लगभग कितना केजी रोटी बनता होगा यहाँ पे? यहाँ 70-80 किलो आटा बना देते हैं, 70-80 केजी आटा बन जाता है। अच्छा वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखे और इसमें पूरा भर के रोटी है, थर्मस है उसमें भी रोटी भर जाता है। अच्छा थर्मस में भी, तो चलिए ये देखिए मटन लगभग आधा घंटा से इसको भून रहे हैं क्या, अब इसमें डाल दिए क्या डाले? गोल्डी का मसाला, गोल्डी का मसाला, अच्छा मीट मसाला था। काफ़ी धुआंधार तरीके से यहाँ पे मटन बनाया जाता है और लगभग 45 से 50 मिनट में मटन बन के रेडी हो जाएगा। काजू है, अच्छा काजू किशमिश भी मटन में डालते हैं? अच्छा ये देखिए काजू और किशमिश यहाँ पे रखे हुए और ये जाएगा मटन पे। शुरू से ही जलाते आ रहा है और अभी भी डला रहा है। अच्छा जब से आप स्टार्ट किए तब से डाल डाले? तो कितना डाल देते हैं 20 केजी में? ये आपका 100 ग्राम काजू है और 100 ग्राम किशमिश है। अच्छा 20 केजी में 100-100 ग्राम डाल देते हैं, डाल दे रखो। अच्छा ये चला गया काजू और किशमिश। तो आप यहाँ पे पहली बार आज देख रहे हैं कि मटन में काजू और किशमिश डाल के बनाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए एकदम देसी तरीके से ऊपर में पानी रख दिया गया है और ये गर्म हो गया और ये चला गया मटन के अंदर। लगभग भैया बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 केजी पानी इसमें यूज करते हैं। ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन मटन लग रहा है आप देखने में, बनने के बाद जो इसमें कलर आया काफ़ी गजब का। ये देखिए पीस का साइज देखिए कितना बेहतरीन है, ये देखिए 90 ग्राम 100 ग्राम पीस रखा है देखिए। अच्छा 90-100 ग्राम का एक पीस। अच्छा आप डाल रहे हैं गरम मसाला, तो ये आ गया देखिए। अच्छा खुद से बना के रखे हुए हैं, ये चला गया कढ़ाई के अंदर। अच्छा ये क्या है? घी। अच्छा घी से छोंकते हैं। अच्छा ये आ गया घी का छोकन, ये डाल दिया अब ये मटन में। अच्छा ये मटन बन के हो गया रेडी। अच्छा भैया ये बाहर में जो भीड़ है मटन खाने का, ये मटन चिकन खाने के लिए अभी है इंतजार कर रहे हैं। अच्छा पूरा मटन जैसे ही बना प्लेट लगना शुरू हो गया, पहले से काफी लोग इंतजार कर रहे हैं और देखिए प्लेट लगना शुरू हो गया है। इसलिए एक बार चेक कीजिए यहाँ पे भीड़, जैसे ही मटन बन के रेडी हुआ भीड़ लग गई, इधर पूरा भीड़ लग गया है और अंदर में भी खाने के लिए लोग बैठने लगे पूरा के पूरा। यहाँ से वहाँ तक लोग टोकन ले रहे हैं, यहाँ पे टोकन सिस्टम है, लोग फटाफट रुपया दे रहे हैं और टोकन ले रहे हैं और अंदर में जाके इधर बैठ रहे हैं। भागवत विद्यापीठ का योजना हमको बताए, हाँ आप वहीं बाबा चल जाइए मुन्ना होटल में जी। हाँ तो हम भाई पूछते पूछते आए, हाँ हम आए हैं दरौंदा स्टेशन। अच्छा परीक्षा दिलवाने के लिए बच्चा। कैसा लगा मटन खाने में? ना ठीक, एकदम कलेजी वाला पीस है और गुद्दा वाला लिए थे, दांत नहीं है फिर भी खाते हैं क्या? क्या कीजिए यार, खाया पिया आदमी थोड़ा मन भलाता है दिन भाई क्या। हाँ कैसा होता है मटन यहाँ का? इस होटल में बहुत पुराने हम कब से आ रहे हैं? 15-16 साल सिवान में मेरा घर है। घर है सिवान में, खाना खाते हैं छपरा में। छपरा में चाय बेचते जंक्शन पे प्लेटफार्म पे। अच्छा अभी 15-16 साल से छपरा जंक्शन में चाय बेचते हैं। अच्छा तो यहाँ पे देखिए ये मशीन है रोटी बनने वाला, जब वहाँ पे नहीं बना पाते हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है तो यहाँ मशीन से बनना स्टार्ट हो जाता है रोटी। ये देखिए बनाना स्टार्ट कर दिए गया है।
वहाँ से लोहिया डालते हैं, इधर रोटी बन के निकल जाता है क्या? अंदर से निकलता है, यहाँ बाहर सेका। अच्छा, इधर सेका करके निकलता है अंदर से। तो चलिए ये देखिए रोटी यहाँ से बेल बेल के अंदर जा रहा है। अच्छा, ये रोटी आना शुरू हो गया इधर से, जब एकदम फुला फुला रोटी होता है। अच्छा भैया, मटन बन के हो चुका है रेडी, वैसे भीड़ काफी खचाखच भर गया है क्या? तो मैं मुन्ना प्रसाद ओनर। अच्छा, आप यहाँ का ओनर हुए? हाँ। छपरा में जब भी आइए यहाँ पर, एक बार अवश्य दुकान पर आइए। स्वाद भरपूर, स्वाद बढ़िया नहीं मिला तो पैसा वापस, फुल गारंटी के साथ खिलाते हैं। और साफ सफाई भी, साफ सफाई के लिए भीड़ है। हाँ, वैसे भीड़ एकदम इस तरीके का भीड़ कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, खास करके मटन चिकन का होटल। सवाद के साथ साथ व्यवहार भी है। हाँ। ऐसा थोड़ी है। हाँ। मीट का आइटम एक नंबर आता है इनके। एक नंबर। हाँ। आप यहाँ खाते हैं? हम यहीं खाते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यहीं से, गुदरी से। अच्छा, डेली यहीं खाते हैं। तो चलिए फाइनली ये अपना प्लेट लग गया है मटन का। वैसे देखिए मटन कितना बेहतरीन है। वैसे यहाँ पे जगह नहीं मिला खाने के लिए, तो हमको छोटा सा जगह कोना में मिला है। इतना भीड़ आप देख सकते, कितना ज़्यादा भीड़ है। जगह नहीं मिल रहा था तो कोना में बैठे खाने के लिए, और ये प्लेट लगा। अब टेस्ट करते हैं कि यहाँ का मटन कैसा है। तो ये देखिए मटन रोगन ऊपर में कितना बेहतरीन आया है, देख रहे हैं। और ये आ गया नली वाला पीस, और साथ में चावल रोटी। और यहाँ पे 150 रुपया होता है प्लेट, आप चावल के साथ खाए या रोटी के साथ। एक प्लेट में आप अगर रोटी सिर्फ खाते हैं तो 4 पीस रोटी दिया जाएगा। देखिए रोटी भी कितना बेहतरीन यहाँ पर होता है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। वैसे ये आ गया 150 का पूरा प्लेट, हाफ प्लेट आ गया चावल, 2 पीस रोटी, 150 रुपया का। देखिए उसमें रोगन कितना बेहतरीन है। तो रोगन लेंगे, ग्रेवी लेंगे, और ये आएगा मतलब खाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। अभी तक जितने भी जगह खाए हैं, इस तरीके का स्वाद शायद बहुत कम जगह मिला है खाने के लिए। तेल भी काफ़ी अच्छे मात्रा में आपको दिख रहा होगा इसमें। अब आपको दिखाते हैं पीस, ये देखिए पीस, देख रहे हैं मतलब पूरा एकदम, देखिए निकल गया ना। वैसे गर्म ज़्यादा है, हम इसको पकड़ नहीं पा रहे। देखिए पूरा नली छोड़ दिया है, काफ़ी बेहतरीन इसको खाते हैं। ये देखिए ये आया पीस, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी गजब का स्वाद है। तो ये आएगा चावल रोगन, इसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में इसको मिलाते हैं। ये देखिए ये आया चावल और ग्रेवी। वैसे चावल का क्वालिटी देखिए कितना बेहतरीन है, मतलब छपड़ा में बेहतरीन। इसको मिला करके और ऐसे बेहतरीन। छपड़ा में अगर मटन खा रहे हैं, एक बार यहाँ पर खा लीजिएगा ना, तो दोबारा आप खींचे चले आइएगा, ऐसा यहाँ का स्वाद है। अब लेंगे पीस और चावल, ये आया, ये देखिए, ये देखिए, तो इसमें डुबो देंगे और ऐसे करके ये उठाएंगे। काफ़ी बेहतरीन। तो हम क्या करेंगे, आराम से मटन खाएंगे क्योंकि टेस्टी है। आराम आराम से खाएंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।